एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है कि पहले खुद का जुगाड़ कर लो, तो सोचा ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल, एक नाउ चाय वाला प्रफुल बिल्लौर इज अ फ्रॉड। मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे दोस्त, धंधा सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन एक धंधा एक व्यक्ति को सबसे नीचे गिरा दिया, उसे फर्श पे गिरा दिया, और वही धंधा एक व्यक्ति को अर्थ पे ले गया। ऐसी क्या मिस्टेक किया एमबीए चाय वाले ने कि आज उनका पूरा करियर बर्बाद होने के कगार पे है? वो मिस्टेक आपको भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हो, अगर आप भी बिजनेसमैन बनना चाहते हो, अगर आप भी स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आज आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, लेकिन वो मिस्टेक अगर आप भी करते हो तो आपका चैनल भले चल ही रहा है, भले आज आपकी वीडियो पे व्यूज जा रहा है, कल आप भी बर्बाद हो जाओगे। अगर आज आपकी बिजनेस प्रॉफिट में है, अगर आज आपकी बिजनेस पे पैसा आ रहा है, इनकम आ रहा है, अगर वो मिस्टेक को सुधार नहीं करोगे तो आपका भी बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। जैसे एमबीए चाय वाले इतना ज़्यादा ट्रेंड में थे, आज वो ट्रोल में है। इतना ज़्यादा ग्रोथ में थे, उतना ज़्यादा अर्थ पे थे, एक मिस्टेक किया और आज फर्श पे आ गए। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एमबीए चाय वाले की पांच ऐसे पॉइंट के बारे में जो कि हमें और आपको बहुत कुछ सीखनी चाहिए इनके मिस्टेक से। पहली पॉइंट शुरुआत करेंगे एमबीए चाय वाले की शुरुआत कैसे हुई। दूसरा पॉइंट बात करेंगे कि आखिर इनका नाम खराब क्यों हुआ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनका नाम था और आज इनका नाम ही बदनाम हो गया। तीसरा पॉइंट बात करेंगे कि आखिर इनकी मिस्टेक क्या रही, जो इतना ज़्यादा प्रवचन देते थे, जो इतना ज़्यादा मोटिवेट करते थे, इतना ज़्यादा ज्ञान देते थे, उन्होंने मिस्टेक क्या कर दिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमबीए चाय वाले की मिस्टेक क्या किया। चौथा पॉइंट बात करेंगे कि चाय का बिजनेस दो लोग कर रहे हैं, चाय सुट्टा बार भी कर रहे हैं, एमबीए चाय वाले भी कर रहे हैं, तो चाय सुट्टा बार क्यों सफल हो गए और एमबीए चाय वाले एकाएक धड़ाम से क्यों नीचे गिर गए। पाँचवा पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने फ्रेंचाइज लिया, 30-40 लाख रुपये लगाया, आज जो बर्बाद है तो उसमें मिस्टेक किसकी है? एमबीए चाय वाले की है, क्योंकि टोटल एमबीए चाय वाले को गलत कहना सही नहीं है, और वो बंदे जो कि एमबीए चाय वाले का नाम से फ्रेंचाइजी लिए, उनकी मिस्टेक है। अगर मिस्टेक किसकी है तो नंबर वन पॉइंट पे बात करेंगे कि आखिर एमबीए चाय वाले की शुरुआत कैसे हुई। नाम इनका प्रफुल बिल्लोरे हैं और ये फेमस एमबीए चाय वाले के नाम से हुए हैं। तो 14 जनवरी 1996 को ये मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये एमबीए की तैयारी करने के लिए अहमदाबाद गए, वहाँ पर इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिस वजह से इन्होंने घर वालों से पैसे उधार लिए। उधार क्या लिए, उनसे झूठ बोलकर एक चाय की टपरी लगाई, एक चाय की ठेला लगाया, जिससे इनका मार्जिन अच्छा हुआ, इनका जो पैसा है वो अच्छे से कमाया, क्योंकि इनका ये मानना है कि लोग चाय से ज़्यादा इनकी स्टोरी पर ज़्यादा फोकस करते थे। तो अब इन्होंने क्या किया, उस स्टोरी को बेचना स्टार्ट किया। कैसे बेचना स्टार्ट किया, इन्होंने ये बताया कि मैं गरीब हूँ, गरीब से रहकर मैं चाय से इतना पैसे कमा रहा हूँ चाय बेचकर, ठीक है। और इन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, तो इंग्लिश से लोगों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस किए, तो मार्केट में हल्ला पहुँचा दिए कि ये बंदा चाय से 10,000, 15,000, 5,000 डेली कमाई कर रहा है। उसके बाद अपना नाम को बेचने लगे, अपने आप को एक ब्रांड वैल्यू बनाया। अब इसमें कनेक्ट हो गए जो गांव के लोग हैं या फिर जो मिडिल क्लास के लड़के हैं, जो कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, उन्होंने इनकी स्टोरी से अपने आप को रिलेट किया कि यार ये बंदा गरीब है, अगर ये यहाँ तक पहुँच सकता है तो मैं भी पहुँच सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मास्टरमाइंड सुनिए, लोगों ने इनकी स्टोरी को अपने साथ कनेक्ट कर लिया। अब यहीं हो गया, जाल फंस गया, अब यहीं पर बॉन्डिंग शुरू हो गई। अब वहीं से इन्होंने अपना नाम बनाया एमबीए चाय वाले, एमबीए चाय वाले। बहुत सारी जगहों पे जाकर इन्होंने इंटरव्यू दिए, बहुत बहुत मोटिवेशनल लाइन दी, जिस वजह से लोगों को इन्फ्लुएंस किए, लोगों को कनेक्ट किए। बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में कि जब इतना नाम हो गया इनका, ताकि बदनाम कैसे हो गए, जिस बंदे का इतना साल की मेहनत थी, उसने अपना नाम बनाया, आखिर वो बर्बाद कैसे हो गया, वो नाम बदनाम कैसे हो गया। इसमें इनकी दो मिस्टेक है। पहला ये कि जिन्होंने इनकी फ्रेंचाइजी ली, वो बंदे सबसे बड़े गलती कर दिए, क्योंकि 30-40 लाख रुपए का इन्होंने केवल फ्रेंचाइजी लिया। जो बंदे इनकी फ्रेंचाइजी ली, इन्होंने उनसे वादा किया कि आप मेरा नाम यूज करो, मेरा नाम खरीदो, 30-40 लाख रुपए दो, मैं आपको 10,000 से 5,000 रुपए पर डे सेलिंग कराऊंगा अपने नाम से, अपने ब्रांड वैल्यू से। तो जिन लोगों ने, जो मिडिल क्लास से थे, इनकी स्टोरी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पहले से ही थे, तो इनकी बातों से कनेक्ट हो गए कि आज जब ये कमा सकते हैं तो हम भी कमा सकते हैं। तो जिस वजह से वो बंदे क्या किए, घर पे भले सेविंग नहीं थी, बैंक से लोन लेकर 30-40 लाख रुपए लगाकर फ्रेंचाइजी ली इनकी। उसमें इनका सब कुछ कंप्लीट, मतलब रूम सूम सब कुछ लेकर 30-40 लाख रुपए का खर्चा आया। 10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची,
और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। प्रफुल भाई ना आप किसी का फोन खा रहे हैं। अब जो फ्रेंचाइजी लिए इनकी भी कुछ मिस्टेक के बारे में बात करूंगा मैं आगे आपके, लेकिन यहाँ पर प्रफुल बिल्लोरे का मिस्टेक यह माना जाएगा कि जब इतना ज़्यादा पैसे फंसाने के बाद इनके चाय पे उतना ज़्यादा इनकम नहीं हुई। जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली उन्होंने सपना देखा था कि 10 से 5 रुपये का धंधा करेंगे, लेकिन वो 10 से 5 रुपये का धंधा नहीं कर पाए, जिस वजह से अगर महीने का इनका 1 लाख रुपये का खर्चा है फ्रेंचाइजी वालों का तो उनकी कमाई 20 से 25 हज़ार रुपये हो रही है। वो 70 से 80% डाउन में जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि रूम का भाड़ा भी वो अपने जेब से भर रहे हैं, कर्ज लेके भर रहे हैं। तो यहाँ पर वही लोग इनके खिलाफ खड़े हो गए। अब फ्रेंचाइजी न चलने की एक रीज़न है, पहला कि प्रफुल बिल्लोरे का जो चाय है वो ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं रहा, दूसरा ये चाय पर ही टिके रह गए, और सबसे बड़ी मिस्टेक यह है कि चाय की प्राइस ही 60 से 70 रुपये है, यहाँ तक कि 90 रुपये केवल एक कप की चाय है इनकी। अब इनसे जो बंदे कनेक्ट हुए थे, जो इन्फ्लुएंस हुए थे, वो मिडिल क्लास के थे, वो गांव के थे, गरीब घर के थे। अब वो कितना भी इनसे इन्फ्लुएंस हो जाए लेकिन 90 रुपये की चाय इनके लिए पीने नहीं जाएंगे। जो चाय 10 रुपये में मार्केट में मिल रहा है वो चाय ये दे रहे हैं भैया 80 से 90 रुपये में अपने नाम को बेचकर। तो जिस वजह से फ्रेंचाइजी वालों का घाटा हुआ वो इनके खिलाफ सवाल उठाएं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, और आज वही उनके खिलाफ खड़े हैं। किया गया कि फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनके साथ स्कैम किया गया। उन्होंने गलत सेल का वादा किया, हमें जो 22 सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हज़ार रुपए की दी थी पर डे की। इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी 30-30 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। प्रफुल भाई ना आप किसी का फोन खा रहे हैं, ना ही उनकी टीम में कोई फोन उठा रहा मेरा कंटिन्यूस। तीसरी पॉइंट, आखिर MBA चाय वाले की मिस्टेक क्या है, क्या ऐसी गलती किया कि अर्थ से सीधा फर्श पे आ गए। इनकी मिस्टेक बहुत सारी है लेकिन मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट कुछ कर गिनाता। पहला, ये दिखावा ज़्यादा किए, बेसिक मजबूत कम किए, मतलब ये शोर ज़्यादा मचाएं और जो बेसिक काम है उस पर इन्होंने पकड़ कम बनाया, जिस वजह से इन्होंने अपनी चाय की क्वालिटी नहीं बढ़ाई, पहला। दूसरा, इन्होंने अपने धंधे से छोड़ मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस किया, ठीक है, मतलब कि केवल चाय को ही बेचने में लग गए, और वहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो गई। वो तो भैया ने बोला था कि हर 15 डेज में रिपोर्ट जाती है। केवल चाय बेच रहे हैं 60 से 70 रुपए 80 रुपए का, और उसमें क्वालिटी कितनी है इन्हें ये भी नहीं पता है, कितनी वैरायटी ये चाय बेच रहे हैं इन्हें ये भी नहीं पता है। चाय कितनी देते हो आपको पता है, वो सब समझ रहा हूँ मैं तो अपन यहाँ नहीं। आप चाय कितनी देते हो आपकी कंपनी में, जब चाय का फ्रेंचाइजी बेचते हो तो चाय के कितने फ्लेवर देते हो आप? दो तीन देते हो, ये भी आपको पता नहीं है सर। स्टार्टअप 6 नंबर पे आ गया, आपको ये और नॉलेज नहीं है आप चाय फ्रेंचाइजी 4 देते हो आप मुझे 4। इनकी मेन्यू में देखोगे तो 80 रुपए से 200 रुपए तक इनकी चाय की वैरायटी है, लेकिन मेन्यू कितना है ये MBA चाय वाले को खुद नहीं पता है। और दूसरी मिस्टेक इनकी यह है कि इन्होंने जिस लोकेशन पे अपने फ्रेंचाइजी को डाला उस लोकेशन के बारे में रिसर्च नहीं किया कि आखिर जहाँ पर मैं दुकान डाल रहा हूँ किसी बंदे का 30-40 लाख रुपए फंसा रहा हूँ वहाँ की एरिया का जो मार्केटिंग है वो कैसा है, वहाँ पर लोग हमारी चाय को पियेंगे कि नहीं पियेंगे, वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो कितने कॉस्ट में चाय को चाहते हैं, इन्होंने सब कुछ रिसर्च नहीं किया। अगर ये रिसर्च करते हैं कि हम जैसे मान लो शहर में अगर अमीरों के घर की बस्ती में आप MBA चाय वाले ठेला लगा दोगे तो जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं तो वहाँ पर तो जाहिर सी बात है लोग पियेंगे, लेकिन जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर अगर आप उस एरिया में 80 से 90 रुपए का चाय बेचोगे तो कौन पिएगा? इन्फ्लुएंस लोग आपकी वीडियो से होंगे लेकिन पैसा जेब से नहीं लगाएंगे। इन्होंने मार्केट पर रिसर्च नहीं किया जिस वजह से पैसा फंस गया इनका, क्योंकि इन्होंने ऑडियंस को नहीं समझा, अपने कस्टमर को नहीं समझा कि अगर कस्टमर को समझते कि मेरा कस्टमर चाहता क्या है तो ये निकल जाते, लेकिन कस्टमर को नहीं समझा, ये केवल मोटिवेशन और केवल वीडियो पे मार्केटिंग में ही लपटिया रहे हैं, बेसिक काम इन्होंने किया ही नहीं। अब बात करें चाय सुट्टा बार और MBA चाय वाले के अंदर क्या ऐसे मिस्टेक हो गए कि चाय सुट्टा बार जो हैं वो ग्रोथ पे हैं और MBA चाय वाले ग्रोथ में रहकर भी डाउन में हो गए। पहला रीजन सुनिए चाय सुट्टा बार की, उनकी मार्केटिंग क्या है कि वो चाय उनकी एक मार्केटिंग है चाय सुट्टा बार वाले की, जो उनका मार्केटिंग है वो केवल चाय है, लेकिन जब आप उनके अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बेचेंगे आपसे, ठीक है, आपको
जो मोमोज है, बहुत सारी चीज़ें, सैंडविच वगैरह बहुत सारी चीज़ें वैरायटी में बेचेंगे, चाय को भी कोल्ड करके बेचेंगे, बहुत सारी वैरायटी में भी बेचेंगे। मतलब कि चाय का नाम देकर, और इनकी चाय कॉस्टली भी है, 15 से 20 रुपए में है चाय सुट्टा बार की, इनकी चाय 15 से 20 रुपए में है। जब आप चाय पीने जाओगे, एसी में बैठ जाओगे, तो भाई जाहिर मन करेगा खाओगे। तो इन्होंने चाय को दिखाकर बेचा कुछ और। तो ये चाय सुट्टा बार वाले की ये मार्केटिंग है, इन्होंने दिमाग लगाया, लेकिन एमबीए चाय वाले ने ये दिमाग नहीं लगाया। दूसरा, एमबीए चाय वाले केवल मार्केटिंग में ही रिसर्च करते रह गए, फ्रेंचाइजी बेचने में ही रिसर्च करने लग गए, और बेसिक कोई नॉलेज नहीं रखा। लेकिन चाय सुट्टा बार वाले ने, उन्होंने क्या किया कि फ्रेंचाइजी भी बेची एक लिमिट कॉस्ट में, और अपनी गलतियों को भी, अपनी बेसिक को भी सुधारते गए, ज़्यादा उड़े नहीं, बेसिक बना के चला, जिस वजह से फ्रेंचाइजी वालों का भी देखें कि क्या मार्केटिंग में उनको प्रॉफिट होगा नहीं होगा। अगर जिस एरिया में उनको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, उस एरिया में उन्होंने फ्रेंचाइजी नहीं बेची। और बात करें कि जो फ्रेंचाइजी जिन्होंने लिया है, आखिर उनकी मिस्टेक क्या है, जो पैसा डूबा है उसमें गलती किसकी है? उसमें गलती झूठे सपने की है, जो कि एमबीए चाय वाले ने बेचा और कुछ लोगों ने खरीदा, कुछ लोगों ने जो मिडिल क्लास से हैं उन्होंने भी खरीदा, और उस हद तक खरीदा कि उन्हें यह नहीं समझ में आया कि हम इस चीज़ को खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं बैंक से, अगर प्रॉफिट नहीं निकला तब हमारा क्या होगा। एमबीए चाय वाले ने कहीं भी ये लिख के नहीं रखा है कि आपको 5,000 रुपये तक धंधा होगा, क्योंकि धंधे का कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने बता दिया कि 10 से 5 रुपए का आपकी सेलिंग होगी। जो लोग हैं फ्रेंचाइजी लेने वाले, उनके दिमाग में सपना बैठ गया कि यार हम महीने के 2,00,000 रुपए महीने प्रॉफिट बचाएंगे, तो उन्होंने लोन लेकर ये धंधा स्टार्ट कर दिया। सबसे बड़ी मिस्टेक तो इन्हीं लोगों का है, ठीक है। और एमबीए चाय वाले की मिस्टेक यही है कि इन्होंने अपनी बेसिक पे कोई ध्यान नहीं धरा। तो आई होप एमबीए चाय वाले की यही कुछ मिस्टेक्स थी। बाकी आपको कौन सी पॉइंट अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।